गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आज न्यूज राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करेंगे, तिरंगे के आकार का झरना बह रहा है, जहाँ स्वतंत्रता दिवस पर जोधपुर के बेरी गंगा में तिरंगे के समान झरना बह पड़ा, देखने उमड़े लोग। तो दोस्तों, क्या है पूरी बात, क्या है इस वीडियो की सच्चाई, हम आपको बताते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सूरी नगरी में चहुं ओर से सभी लोग राष्ट्रभक्ति के रंग में नजर आए। शहर में दिन भर हुई जोरदार बारिश के बीच लोग अवकाश का लुत्फ उठाने घूमने निकल पड़े। बारिश के कारण बेरी गंगा में झरना बह निकला। कुछ उत्साही युवकों ने अनूठा प्रयोग कर इस झरने को ही तिरंगा रंग दे दिया। लोगों ने पहली बार ऐसा तिरंगा झरना बहता देखा। शहर में बारिश के कारण बने शानदार मौसम के बीच बेरी गंगा व अरना झरना में तेज बहाव के कारण पहाड़ों से झरने बह निकले। बेरी गंगा में पहाड़ी से गिरते झरने का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान दो उत्साही युवक झरने के गिरने वाली पहाड़ी पर जा चढ़े। उन्होंने झरने से ऊपर से दोनों तरफ से केसरिया व हरा रंग मिलाना शुरू कर दिया। बीच में पहाड़ी से गिरता पानी सफेदी लिए था। ऐसे में पहाड़ी से गिरता झरना राष्ट्र ध्वज के रंग में गिरता नजर आया। वहां मौजूद लोगों ने करतल ध्वनि के साथ तिरंगे झरने का स्वागत किया। इन युवकों ने बताया कि उन्होंने इस 15 अगस्त को कुछ अलग करने का तय किया था। मौसम ने भी उनका साथ दिया और झरने बह निकले। इस पर वे रंग लेकर वहां पहुंच गए और इसे तिरंगे के रंग में रंग दिया। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, तिरंगे के समान झरना बह रहा है और ये काफ़ी शानदार लग रहा है। तो अनूठा प्रयोग किया है जोधपुर के युवकों ने। स्वतंत्रता दिवस पर जोधपुर के बेरी गंगा में तिरंगा झरना बहा, इसे देखने के लिए लोग उमड़े। तो दोस्तों, ये थी सुबह की अच्छी न्यूज़।